लेकु क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के इस सेशन में हम बात करेंगे रीडिंग फॉर राइटिंग के ऊपर जब आपने लिखना है क्रिएटिव राइटिंग करनी है उसके बहुत सारे इनपुट्स आते हैं उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं रिसर्च करते हैं आपके जहन में बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है एंड देन इट टेक्स सम फॉर्म एंड इट टेक्स द शेप ऑफ़ द आर्टिकल और द स्टोरी और द नावल दैट योर राइटिंग और द पोएम उसी में उसी इनपुट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है कि आप पढ़ क्या रहे हैं या आपका एक्सपोजर इन द लैंग्वेज दैट यू गोइंग टू बी राइटिंग इन वेदर इट्स इंग्लिश और उर्दू इन दिस केस ऑब्वियसली बिकॉज इट्स फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट सो इट हैज़ टू बी इंग्लिश तो देर हैज़ टू बी सम इनपुट फॉर द आउटपुट टू बी देर तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुताले का शौक़ करें उसको पैदा करें अपने आप की अपनी मर्जी के मुताबिक अपने चॉइस के मुताबिक आप उसको uh, बढ़ाएं और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें वे यू कैन रीड मोर इसके इसमें एक चीज़ जो इम्प्रूव होनी है ग्रामर की देखें ग्रामर की किताबें भी हैं देर कैन बी वीडियोज़ और दैट वी कैन टीच यू ग्रामर बट द एक्चुअल थिंग इज़ दिस इज़ समथिंग दैट द बेस्ट वे टू लर्न इट इज़ बाई रीडिंग वी कैन पॉइंट आउट सम कॉमन एरर्स हियर वी कैन टेल यू के ये कुछ चीज़ें हैं जो उर्दू बोलने वाले अक्सर इंग्लिश में गलतियाँ करते लेकिन उसमें पुख्तगी जो है आपकी ग्रामर की जो असलाह ठीक होगी वो उसी वक्त होगी जब आपके पास लैंग्वेज का एक्सपोजर इतना होगा सुनने की सूरत में भी लेकिन क्योंकि सुनने वाली लैंग्वेज इतनी एक्यूरेट और करेक्ट नहीं होती उसमें देर इज़ स्पोकन इडियम देर आर सम एरर्स ऑल्सो एंड द रिटर्न वर्ड इज़ मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें अपनी ग्रामर को बेहतर करने के लिए ताकि आपकी योर वॉइस एज राइटर हैज़ अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी So that's why reading is very important. It's not something secondary. It's not something that those other people do. Professor type. In, if you want to write anything, you have to read. Second, these sentence structures again. They will come to you by reading. It's not something that will be told to you. You will do it. It's like uh, you can't look at an exercise video and expect to get fit until you exercise yourself. तो इसी तरह आ, लिखने के बारे में भी है कि जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस और अपना मुताले की हैबिट साथ साथ लेके ख़ुद नहीं चलेंगे तो किसी के बताने से वो चीज़ उस तरह से नहीं हो सकती सिमिलरली देर इज़ वेरिएशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बेपसी सिद्धवा पाकिस्तानी राइटर एक हैं बहुत अवॉर्ड ऑफ द मशहूर नावल्स हैं उनकी द ब्राइड उनकी पहली नावल थी उसके अलावा उन्हें बहुत सी किताबें लिखी हैं उन्होंने ये कहा कि जो वो जब छोटी थी तो वो जिन राइटर की किताब में पढ़ती थी ज़्यादा चार्ल्स टिकन्स की उनकी पहली किताब की ऑर्गेनाइजेशन और चैप्टर्स की लेंथ वगैरह कुछ उसी तरह की निकली जो वो पढ़ रही थी इसका यह मतलब नहीं है कि आप कॉपी करें किसी और के स्टाइल को लेकिन ये कि वाट एवर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन वॉट यूर प्रोड्यूसिंग और वो जितनी आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ पढ़ेंगे उतना ही आपके काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी उसके अलावा वोकेबलरीरी अल्फाज का ज़खीरा अब हो सकता है आपने हिस्ट्री के बारे में कोई आर्टिकल लिखना हो और, और आप उसमें इंटरनेट से जाके देख लें कि इससे मुतल वकीबलरी क्या हो सकती है या आपने आर्किटेक्चर के ऊपर लिखना हो तो आप देख लें कि अच्छा उसमें आर्टचेज़ होते हैं और दूसरी चीज़ें हैं नीश है ये सारी वकीबलरी है बट देर आर समर्ड्स उनके यू लर्न हाउ टू यूज़ दैम इफ़ यू हैव सीन देम इन अ सेंटेंस वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स देखने से आपको सही आइडिया कई दफ़ा नहीं हो सकता जैसे कुछ मिसाल के तौर पे प्रिटी और हैंडसम और क्यूट इन सब का मतलब यही होगा कि जो देखने में जिसकी अपियरेंस इज प्लीजिंग हाउ एवर प्रिटी विल बी यूज नॉर्मली फॉर अ वमन क्यूट विल बी यूज फॉर अ चाइल्ड मे बी फॉर अ वेरी यंग गर्ल और फॉर अ यंग वूमन एंड हैंडसम विल बी यूज फॉर अ मैन सो इवन दो दे ऑल रेफर टू लुक्स बींग नाइस बट द यूसेज इज स्लाइटली डिफरेंट तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं जब आप पढ़ते हैं और उनको जुमलों में और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वर्ड्स को तो आपको उसकी अच्छी सही समझ आती है देन यू कैन यूज दम अकॉर्डिंगली ऑल्सो अच्छा उसके अलावा ये चीज़ है कि हर राइटर का अपना एक यूनिक डी एन ए होता है ईच राइटर डज समथिंग डिफरेंट इन वॉट देयर राइटिंग इट्स नॉट द इंफॉर्मेशन बट इट्स जस्ट द ट्रीटमेंट डेट दे गिव और आप जितना पढ़ेंगे और जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे डिफरेंट लोगों के इस यूनिक स्टाइल और यूनिक डीएनए या जो यूनिक उनका फुटप्रिंट है किस्म का या थम प्रिंट है उससे एक्सपोज करेंगे उतनी आपकी राइटिंग में भी रिचनेस और डेप्थ आएगी सो दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट अच्छा इसमें यह है कि येस इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन बट द कॉन्टेंट दैट यू लिसन टू हैज स्लाइट डिफरेंस क्योंकि उसमें आप लाइक आई सेड बिफोर उसमें वो एक्ूरेसी और करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज नहीं होती

एक्सपीरियंस का हिस्सा होती हैं एंड वी कैन यूज देम टू आर बेनिफिट एज राइटर्स लेकिन लिखे हुए कॉन्टेंट की बहरहाल सुपीरियोरिटी है बिकॉज uh, जैसे कि उसमें अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होता है इट्स मोर फॉर्मल और सेंटेंसेज आर कम्प्लीट जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ वैन आई एम सेंग वन थिंग इफ अ सेकेंड थाट अकर्स टू मी आई काइंड ऑफ मे लीव द फर्स्ट थाट एंड गो ऑन टू द सेकेंड वन बट इन रिटर्न कॉन्टेंट दैट्स ऑल सॉर्टेड एंड दैट्स ऑल डन नीटली तो अगर आप उसको अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो आपकी भी सेंटेंसेज में वो मच्योरिटी और डेप्थ आएगी ऑल्सो इन स्पोकन लैंग्वेज यू हैव द एडवाटेज ऑफ टोन एंड वॉइस सो यू डोंट हैव टू से एवरी थिंग विद वर्ड्स आप क्योंकि ऑथर बन रहे हैं तो आपके पास टोन या वॉइस जो है अपने वर्ड्स के थ्रू ही कन्वे करना है यू काट यू डोंट हैव कॉन्ट यूज योर एक्चुअल फिजिकल वॉइस तो इसलिए वो आपको यही देखना होगा कि लिखने वाले कैसे ये शो करते हैं कि अब ये कैरेक्टर उदास है सो इफ आई से इट्स अ क्लाउडी डे देन दैट वुड मीन इट्स अ पॉजिटिव वर्ड एंड आई कैन मीन के द वेदर इज नाइस एंड मे बी चिल्ड्रन आर गोइंग टू गो आउट एंड प्ले इन द पार्क हाउएवर इफ आई से द डे वॉज ओवर कास्ट तो इसका भी यही मतलब है कि बादल ही आए हुए बट इट्स इट मेक्स इट लुक लाइक अ ग्रे डल मे बी स्लाइटली डिप्रेसिंग डे सो दैट्स हाउ वर्ड्स आर कैन बी यूज टू क्रिएट अ वॉइस एंड एन एटमोसफियर जो कि बोलने में आपके पास उसका एक और भी ऑप्शन है कि आप अपनी आवाज़ के थ्रू आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ ही कॉन्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बेपसी सिद्वा की एग्जाम्पल दी कि वो भी uh, ये है कि आप uh, जब पढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे कॉन्टेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रीडर्स डाइजेस्ट कैसे कर रहा है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कैसे कर रहा है टाइम मैगजीन कैसे कर रहा है कोई एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ब्लॉग कैसे कर एंड देन यू कैन गेट आइडियाज़ एंड यू कैन से ओके आई लाइक दिस वन थिंग इस पब्लिकेशन की और इस दूसरी पब्लिकेशन की मुझे ये चीज़ पसंद एंड देन यू कैन एड टू इट एंड क्रिएट योर ओन स्टाइल जब आप कॉन्टेंट सेलेक्ट करें तो उसकी लैंग्वेज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो द लैंग्वेज हैज़ टू बी करेक्ट अक्सर जो हैं हमारे ब्लॉग राइटर्स कोई ब्लॉगर्स बहुत टॉप की हैं देर वी हैव वेरी पॉपुलर ब्लॉग्स टेक्नोलॉजी वगैरह की बट द लैंग्वेज इज़ नॉट करेक्ट सो यू कैन गो टू दो ब्लॉग्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी लेकिन उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको लैंग्वेज में उस तरह से हेल्प नहीं मिलेगी बट चूज़ टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट यू अगर आपको मिस्ट्री इंटरेस्ट करती है या कोई आपकी हॉबीज़ हैं गार्डनिंग एन्वायरमेंटल कन्जर्वेशन पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है लेकिन अच्छी रिलायबल सोर्सेज अच्छे जो चैनल्स हैं जिसमें आपको पता है कि इंग्लिश अच्छी होगी उसी को सुनें या देखें पढ़ें उनके आर्टिकल्स सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर यू ठीक है कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें हाउ एवर इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू स्प्रेड एंड वाइडन योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि अगर आप वही अपने आप को पढ़ते रहेंगे तो आपको Uh, आपका व्यू पॉइंट वाइड नहीं होगा और आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता नहीं लगेगा कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें अगर आपको मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है और आप सिर्फ गाड़ियों के बारे में ही पढ़ते रहेंगे सो इट माइट इम्प्रूव योर लैंग्वेज बट यू वॉन्ट हैव वकेबुलरी फॉर थिंग्स अदर दैन मोटर व्हीकल्स एंड देर पार्ट्स एंड वॉट एवर अदर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू दटोमोबिल इंडस्ट्री तो ये भी इसलिए ज़रूरी है और आपको वैसे भी जब आपने प्लानिंग करनी और रिसर्च कुछ आ, करने के लिए तो उसमें आपने पढ़ना तो है ही सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर राइटिंग बट अदर देन दैट उससे पहले भी और बेशक आपके पास असाइनमेंट है या नहीं है देर शुड ऑलवेज भी समथिंग दैट यू रीडिंग कोई ना कोई आपकी बेड साइड पर किताब होनी चाहिए या आपके बैग में किताब होनी चाहिए सो दैट वाइल यूर वेटिंग और बिफोर यू गो टू स्लीप और एट सम अदर पॉइंट आप पढ़ जरूर रहे हो रीडिंग रिसोर्सेज बहुत सी हैं नावल्स पढ़ें स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स हैं स्पोर्ट्स के कुकिंग के हेल्थ के एट्सट्रा करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स पढ़ें न्यूज़पेपर वालों के ब्लॉग्स हैं तो ऑल दीज थिंग्स आर गुड सोसिसज अगर आपको पोइटरी इंटरेस्ट और मोटिवेट करती है पोइट्री में बिल्कुल लैंग्वेज डिफरेंटली यूज़ होती है सो रीड पोइट्री ऑल्सो इवन इफ़ यू आर नॉट राइटिंग पोइट्री बट इफ़ इट इंस्पायर्स यू तो फिर आप ज़रूर पढ़ें और उसके अलावा एक अच्छी खबर ये है उर्दू बोलने वालों के लिए कि uh, मैंने uh, कुछ वेन आई हैव शोन माई वर्क वॉट आई राइट टू पीपल फ्राम अदर कल्चर स्पेशली वेस्ट में जैसे यू एस में दे आर वेरी इम्प्रेस्ड बाई द ई क्योंकि जो हम उर्दू बोलने वाले हैं और उर्दू में पढ़ा है जिन लोगों ने या उर्दू किताबें या लिटरेचर वगैरह पढ़ा हुआ है हमारी ई बहुत रिच है हमारा मेटाफोर बहुत रिच है क्योंकि ये हमारे जो और जब हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो वो उसको जब उसमें ट्रांसलेट करते हैं तो दैट कम्स अक्रॉस एज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी डीप एंड रिच तो ये एक अच्छी बात है अगर आपने उर्दू में भी काफ़ी पढ़ा हुआ है तो आपका वो मेटोफोर और रिचनेस लैंग्वेज की है सिर्फ थोड़ी सी अपनी आपने ग्रामर और बाकी चीज़ें उसकी नोक पलक दुरुस्त करके अपनी राइटिंग को एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुँचाना है एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट एंड वी कैन ऑल डू इट टुगेदर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग